तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू स्क्रीन गुरु। सो हियर आई एम विद अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड दैट इज ऑफ idioms एंड phrases। तो यार आज हम ये स्टार्टिंग विद ए से जो स्टार्ट होने वाले phrases और idioms है वो देखेंगे। ओके, सो लेट मी गिव यू द सोर्स क्रेडिट्स और सोर्स ऑफ दिस कंटेंट और सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉलेज और लर्निंग विल बी टेकिंग टूडे। द सोर्स इज बायजूस प्रेप। तो आप उनके वेबसाइट पे वगैरह आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बायजूस प्रेप विच वॉज फॉर्मरली नोन एज ग्रेडर। ओके, आपको ये कंटेंट ऑलिव बोर्ड पर भी मिल जाएगा एंड यू विल ऑल्सो फाइंड इट ऑन अड्डा ऐप, ठीक है। तो कंटेंट की तो यार कोई कमी नहीं है, आपको बहुत सारी जगह से कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन मैं ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी एड शेयर कर दूंगा। तो आपको अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो स्क्रीन गुरु सर्च कर लीजिएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। सी, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू अडैप्ट टू डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट सब्जेक्ट, प्लीज़ ट्राई टू मेक इट ईजियर फॉर यू थ्रू एसोसिएटिंग इट विथ योर डेली लाइफ इवेंट्स और द कैरेक्टर्स और वॉट एवर नॉलेज यू ऑलरेडी हैव, ठीक है। सो वो ट्राई करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो वी विल बी लुकिंग इन टू ए वाले जो idioms phrases है उनके बारे में आज हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ एचलेस हील्स। एचलेस हील्स इज द मीनिंग इज वीक स्पॉट। अभी जो एडी, आपको हिंदी में एडी जिसको कहा जाता है, ठीक है, हील तो आपको पता है ना इंग्लिश में, जिनको हिंदी नहीं आती। सो एचलेस हील्स, दैट इज अ वीक स्पॉट, राइट। अगर आपको वहाँ कहीं मार लग जाए या फिर कुछ बॉइल आ जाए तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू दिस वे। एचलेस हील्स मीन्स समथिंग विच इज ऑफ वेरी वीक स्पॉट। नाउ यू कैन गेट इट थ्रू द सेंटेंस। मैं हर सेंटेंस पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप ये खुद ही मतलब पढ़ के पता कर सकते हो वाइल लुकिंग थ्रू दिस वीडियो। दैट इज फियर ऑफ हाइट्स वॉज इज एचलेस हील्स, मतलब वीक स्पॉट था उसका। अब बोन ऑफ कंटेंशन, हम बोलते हैं ना कबाब में हड्डी। अब कभी दो लोगों में बहस हो रही हो और एक बीच में आएगा तो क्या बोलते हैं हम उनको, कबाब में हड्डी क्यों बन रहा है, राइट। सो यू कैन एसोसिएट इट विद कबाब में हड्डी, ठीक है। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स द मेन इश्यू ऑफ डिसएग्रीमेंट, द मेन इश्यू ऑफ क्वारल। यू कैन ऑल्सो टेक इट एज क्वारल, द मेन इश्यू ऑफ डिसएग्रीमेंट, द मेन इश्यू ऑफ क्वारल, वन एंड द सेम, ठीक है। नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, सो दैट इज द सेंटेंस। मूविंग अहेड, अ डेड लेटर, अ मरा हुआ लेटर। यार लेटर से आपको कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़े पढ़ाई लिखाई वाली वाइब्स आ रही है, वाइब्स रिलेटेड टू स्टडी। सो देखिए यहाँ उसका मीनिंग क्या है, अ लॉ दैट इज नॉट रिपील्ड बट इज नॉट बीइंग फॉलोड बाय एनीवन। सो इट इज़ अ लॉ, जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी वाली फीलिंग आएगी आपको, ठीक है। सो इट इज अ लॉ बट इट इज नॉट बीइंग फॉलोड बाय एनीवन एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव वर्ड, दैट इज डेड। जो मैंने नेगेटिव पॉजिटिव अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो तो मैंने बताया था कि आप अंदाजा लगा सकते हो इफ द idiom और इफ द फ्रेज ऑफ द वर्ड इज नेगेटिव और गोइंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ डेड मीन्स समथिंग विच इज नेगेटिव। सो अ डेड लेटर सीम्स दैट अ लॉ दैट इज इन प्लेस बिकॉज ऑफ दिस लेटर वर्ड बट इट इज डेड, इट मीन्स इट इज नॉट बींग फॉलोड बाई एनीवन। द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ डेड लेटर। ओके, दैट इज द सेंटेंस। एट द 11th hour, ये हम तो बहुत ईजिली यूज करते हैं यार, लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, मतलब अभी एकदम लास्ट के मोमेंट में आप कुछ प्लान चेंज कर रहे हो, कुछ तब्दीलियाँ ला रहे हो कोई प्लान में, कोई आपका एक्शन प्लान है, कोई आप कहाँ ट्रिप पे जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, लास्ट मोमेंट में आपको कुछ भी तैयारी करना रह गया हो, तो आप बोलते हो ना एट द 11th hour। सो दैट इज द थिंग, वेरी ईजी। अ क्योर फिश, ना क्योर फिश मतलब अ स्ट्रेंज पर्सनैलिटी। अभी हमें क्योर फिश, अगर हम डेली लाइफ में फिश यूज करें सो दैट इज क्वाइट रेयर, राइट। हम फिश तो एक यार खाने के लिए जो कंज्यूम करते हैं नॉन वेजिटेरियंस, तभी हम यूज करते हैं डेली कन्वर्जेशंस में। बट इफ आई एम स्टेटिंग दैट समवन इज अ क्योर फिश, सो दैट इज क्वाइट स्ट्रेंज। हम किसी को दूसरे जानवर वगैरह बोल सकते हैं लेकिन फिश कोई नहीं बोलता। सो फिश इज समथिंग विच इज स्ट्रेंज, फाइन, दैट इज समथिंग विच इज स्ट्रेंज। ओके, सो फिश इट्सेल्फ स्टेट्स दैट इट इज स्ट्रेंज। नाउ कमिंग टू क्योर, क्योर मीन्स अ स्ट्रेंज पर्सनैलिटी। अ क्योर फिश मतलब एक स्ट्रेंज है यार, कुछ तो मतलब अजीब है इसके बिहेवियर में। ऐसे होते हैं ना मूवीज में, आपने देखा होगा कोई कोई कैरेक्टर्स बहुत शेडी होते हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं,
या कुछ मतलब न्यूट्रल है या किसी की साइड ले रहे हैं वो पता ही नहीं चलता. सो दैट इज़ नोन एज अ क्योर फिश. ओके, ड्यू टू अर मिसमैच क्लोथिंग शी वॉज अ क्योर फिश इन द पार्टी. दैट मीन्स अ स्ट्रेंज पर्सनैलिटी. वो स्ट्रेंज दिख रही थी, बहुत वियर दिख रही थी. यू कैन ऑल्सो यूज इट वियर्ड. यू कैन ऑल्सो यूज वर्ड रेयर और यूनिक, सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग. ठीक है, तो आप भी ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो आपको याद आने के लिए, आप एसोसिएट करने के लिए. अ वर्म्स आई व्यू. नाउ टेक इट इन द लिटरल सेंस. अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू लैक ऑफ ब्रॉड पर्सपेक्टिव. नाउ यार समझ लो आप एक कीड़े हो. ठीक है, समझ लो आप एक, टेक लिटरल सेंस. आई विल गिव यू दिस हिंट. व्हेनेवर यू आर रीडिंग और ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द अननोन idiom और फ्रेज यू आर रीडिंग, टेक इट इन द लिटरल वे. अगर यार कोई क्वीर फिश बोलता है तो कुछ तो स्ट्रेंज लगता है यहाँ, राइट? सो स्ट्रेंज आप पर्सनैलिटी अप्रोक्सीमेट कर सकते हो. अब वर्म्स आई व्यू मतलब आप खुद को अगर एक कीड़ा मान लोगे तो कीड़े की यार कितनी होती है उसकी, मतलब जो भी आई व्यू बोला है ना, तो व्यू कितना छोटा होगा, राइट? अर्थवर्म कैन नॉट लुक हाई अप इन द स्काई टू द एयर, टू द एयरप्लेन, राइट? बेसिक आप कॉमन सेंस लगा लो. आप अगर अर्थवर्म होते तो आपको दिखता क्या वो एयरप्लेन इतना बड़ा, एयरप्लेन जो ऊपर उड़ रहा है वो. सो इट easily means आप अच्छे से ईजिली समझ सकते हो. दैट इज लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू लैक ऑफ ब्रॉड पर्सपेक्टिव बिकॉज इट इज नॉट इज एबिलिटी. उसका उनका पर्सपेक्टिव ही उतना बड़ा नहीं है. अभी अर्थवर्म इतना जमीन से लगा हुआ इतना छोटा प्राणी है, वो ऊपर नहीं देख सकता. सो दैट इज एज सिंपल एज दैट. आप लिटरल में देखोगे आपको ईजिली ऑप्शन से पता चल जाएगा. एंड एस अप योर स्लीव. एस मीन्स सीक्रेट. एस आपने अगर पत्ते वगैरह खेले होंगे तो एस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड, राइट? सो सीक्रेट नॉलेज ऑफ स्किल दैट विल गिव यू एन एडवांटेज. तो देखिए एस इज समथिंग एस सजेस्ट यू समथिंग दैट इज एडवांटेज, दैट वाज एडवांटेजियस फॉर यू और प्रॉफिटेबल फॉर यू. एंड अप योर स्लीव मीन्स यू हैव दैट, यू हैव दैट स्किल और नॉलेज. सो इट मेक्स सेंस, राइट? इंडिया हैज एन एस अप हिज स्लीव व्हाइल डीलिंग विद चाइना. ओके, दैट इज नीडलेस टू से, राइट? इंडिया तो है यार, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेज उसके लिए माने जाते हैं. एप्पल ऑफ वन साय. नाउ दिस इज समथिंग काइंड ऑफ पॉजिटिव. सो समवन ऑर समथिंग वेरी प्रीशियस और डियर. एप्पल ऑफ वन साय, तो एप्पल है ना, वो बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज किया जाता है. एंड वन साय मतलब किसी की नजरिए में, किसी के पर्सपेक्टिव में. तो इसीलिए समवन ऑर समथिंग वेरी प्रीशियस और डियर फॉर समवन. I am an apple of my mom's eye. It means मैं बहुत precious हूँ, मैं बहुत dear हूँ मेरे mom के लिए, my mother के लिए. So देखिए यहाँ भी उन्होंने क्या example दिया है. His new baby girl was the apple of his eye. Okay. Moving ahead, ask for the moon. यार ये देखिए, ask something which is neutral, but थोड़ा tricky है यहाँ. तो ask for the moon. तो यार moon के लिए बारे में बात करना, दैट इज़ अनरीजनेबल, राइट? तो यहाँ देखिए आपको मीनिंग में वर्ड मिल जाएगा अनरीजनेबल. तो मेक रिक्वेस्ट और डिमांड दैट आर अनरीजनेबल. अगर मैं चांद पूछ लूँ, वो प्यार मोहब्बत में बात करते हैं ना, चांद तोड़ के ला लूँगा मैं आपके लिए, चार तो उनके मैं गिफ्ट दे दूँगा तुम्हें, तो ये सब अनरीजनेबल चीज़ है यार, प्रैक्टिकली नहीं होता है वो. अनटिल एंड अनलेस यू आर एन एस्ट्रोनॉट और अ बिलियनेयर दैट यू विल लिटरली डू दैट थिंग्स. ओके, सो टिल देन इट इज़ अनरीजनेबल. So it means literally to make requests or demands that are unreasonable. Asleep at the switch. It means switch मतलब कुछ time पे होने वाली चीज़, time से associate करती है, right? Asleep मतलब neglect, carelessness. So see यहाँ meaning क्या है. Failing to do one's responsibility or duty on time. Right? Literal sense में आप देखोगे आपको easily समझ आ जाने चाहिए ये सब चीज़ें. एट सिक्सेस एंड सेवंस इट इटसेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट इटसेल्फ. अगर सिक्स हो सकता है, जैसे कि क्रिकेट में एक तो फोर होगा या फिर सिक्स होगा, दोनों तो होगा नहीं, फोर और सिक्स दोनों थोड़ी जा सकते हैं एक साथ. तो एट सिक्स एंड सेवंस मीन्स अ कंप्लीट डिसअरे और कन्फ्यूजन. एब्सोल्यूटली लिटरल सेंस से मीनिंग हमने पता कर लिया. एट समवंस बेक एंड कॉल. It means completely compliant or obedient to another person. अभी at someone's beck and call मतलब एक call दूर. ऐसा नहीं क्या भाई लोग में जो bros होते हैं या फिर भाई gang में होते हैं,
ऐसे नहीं एकदम खास होते हैं, उनको बोलते हैं हम यार एक कॉल कर ले कभी भी आ जाऊंगा, 10 बंदे होंगे तो भी आ जाऊंगा, अकेले लड़ लेंगे हम लोग, ऐसे होता है ना। सो यू कैन एसोसिएट इट विद दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट और दैट पर्टिकुलर फ्रेंड ऑफ yours एट someone's बैक एंड कॉल, इट means कम्प्लीटली compliant और obedient टू अनदर पर्सन। ठीक है, मतलब obedient मतलब अगर कोई बोले तो ऐसे होता है ना कि एक सर्वेंट एज वेल एज हिज मास्टर, और ब्रोज में भी बोल सकते हैं यार एक दूसरे के लिए obedient होना, एक दूसरे के एग्री करना, एक दूसरे को हेल्प करना, दैट इज वॉट बींग कम्प्लीटली compliant और obedient एट someone's बैक एंड कॉल, very trustworthy person. Okay, so moving ahead, at an arm's length, it means यार दूर रहे, arm's length, length suggest some distance, right? So distance word आ गया, arm's length मतलब यार दूरी बनाए रख, to keep a distance, very easy. We'll move ahead, a red letter day, an important or significant day. अभी red letter, red signifies positive as well as negative thing, red signifies love as well as red signifies violence. ठीक है, तो red अगर कोई idiom phrase में आ रहा हो तो please be careful, you cannot directly judge it as a positive or a negative thing. Now a red letter day means something which is associated to again constitution, importance, news, highlights, etc. So red letter day means an important or significant day. The independence day is a red letter day for India, of course the republic day too. Moving ahead, a 9 days wonder, something or someone that creates a short-lived sensation. 9 days wonder, short period, right? 9 days wonder, wonder एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जैसे कि 7 wonders of the world. Wonder is like a thing which is for a very long time. 7 wonders of the world कुछ सालों पहले भी उतने ही थे, right? कुछ सालों बाद भी उतने ही होंगे, शायद कोई add हो जाएगा, लेकिन जो पहले से wonder है, वो मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने में, डैमेज करने में, या फिर वो लिस्ट से निकलने में बहुत टाइम लगता है. लेकिन 9 days wonder means something which is very short lived. So something or someone that creates a short lived sensation. ये नहीं कि टिकटॉक में कोई भी फेमस हो जाता है बस 5-10 दिन के लिए, उसके बाद गायब, पता नहीं फिर वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, कोई मूवी में आया है, कुछ पता नहीं रहता, बस थोड़े दिन फेमस हो जाते हैं उसके बाद गायब. अल्मा मैटर, now alma means something which is related to alumnus, alumni, alumnus. ठीक है, I am an alumnus of this particular college, it means I was part of this college, I am an ex-student of this college. Alumni means they are part, alumni is a plural word. ठीक है, the university, school or college that one attended, of course. Alma mater means I am an alma mater of this particular school, college, मतलब मैं इनका student हूँ. Moving ahead, at the drop of hat, एट द ड्रॉप ऑफ हैट, ये ड्रॉप जो वर्ड आता है ना वो इंस्टेंटली सजेस्ट करता है, यहाँ मीनिंग में देख सकते हो. ठीक है, एंड एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब हैट ऐसे लिटरल सेंस में देखोगे तो आई जस्ट टुक माई हैट एंड आई जस्ट ड्रॉप्ड इट, सो इट मीन्स आई विल डू एनी वर्क एट द ड्रॉप ऑफ द हैट. इफ यू आर मेकिंग अ सेंटेंस ट्राई टू टेक लिटरल सेंस, एक मेरा हैट गिरने तक मैं वो काम करूँगा, इट मीन्स आई एम रेडी टू शूट द एनिमी, आई एम रेडी टू शूट द एम at the drop of my hat, बस बता दो हो जाएगा काम. It is willingness to do something instantly. John was always ready to go to fishing at the drop of the hat. छोटे बच्चे नहीं है क्या, या फिर pets देख लो आप, उनको बाहर घूमना, walking को वगैरह लेके जाओगे तो वो लोग हर बार ready होते हैं, चलिए घूमने चले जाएंगे. तो that is babies are ready to go for walking, to go for traveling, to just roam around or stroll around at the drop of the hat. Okay. Moving ahead, a cold fish. Again, fish, something strange. Cold means thunder fish. A person who shows no emotions and come across as unfriendly or disinterested. अब ये cold person, a cold person मतलब जिसको कोई emotions नहीं है. You know, हम लोग एक warm welcome बोलते हैं. जैसे कि अगर आप कोई guest को invite कर रहे हो और वो guest आता है तो आप क्या बोलते हैं? A warm welcome to our guest. अगर आप stage पे कोई anchoring वगैरह कर रहे हो या फिर movies में देखा हो. So you always use the word warm. A warm welcome, a warm thankful, a heartfelt gratitude. That means you signify that emotions. You signify the emotions of gratitude. But something which is cold is taken as a negative thing. ठीक है, cold fish, a cold person, it means there are no emotions. तो इसीलिए a person who makes no emotions and come across as unfriendly or disinterested. Okay, that is meant by cold fish. Going ahead, a cock and bull story.
इट मीन्स अ फैंसीफुल एंड अनबिलीवेबल टेल. अ कॉक एंड बुल स्टोरी, आप लिटरल सेंस में भी देखोगे, एक कॉक की और एक बैल की कैसे स्टोरी बनेगी, वो पंचतंत्र में भी मैंने सुनी नहीं है ऐसी स्टोरी. मैंने बुल और फ्रॉक की सुनी है, ये कॉक और हैन की सुनी है, लेकिन ये कॉक और बुल की थोड़ी अजीब लग रहा है, थोड़ा मैच नहीं कर रहा. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अनबिलीवेबल, राइट. आप इसको किससे एसोसिएट कर सकते हो, पंचतंत्र टेल से. तो यार कॉक और बुल की स्टोरी तो नहीं सुनी है, वेरी इट अगर वो हो भी तो भी बहुत रेयर होगी. सो इट इज़ समथिंग विच इज़ अनबिलीवेबल, समथिंग विच इज़ फैंसीफुल. हाँ ऐसे ऐसे हुआ था तो फैंसीफुल, ऐसा असली में शायद हुआ हो या नहीं हुआ हो ऐसा. मूविंग अहेड, अबाव बोर्ड. अबाव बोर्ड मीन्स समथिंग विच इज लेजिटिमेट, ऑनेस्ट और ओपन. एंड ओपन इट मीन्स द कमिटी ट्राई टू बी फेयर एंड अबाव बोर्ड इन इट्स हायरिंग. अबाव बोर्ड मतलब अबाव स्टैंडर्ड्स, मतलब स्टैंडर्ड्स उन्होंने बहुत मेंटेन करने की कोशिश की, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश की, उन्होंने ऑनेस्ट रहने की बहुत कोशिश की. अबाव बोर्ड से आपको ऐसे कुछ रिस्पेक्ट, प्राइड, ये सब वैल्यूज आ रहे हैं ना, वैल्यूज वाले वाइब्स आ रहे होंगे. अबाव बोर्ड समथिंग विच इज रिलेटेड टू वैल्यू, समथिंग विच इज रिलेटेड टू प्राइड, समथिंग विच इज रिलेटेड टू ऑनेस्टी एक्सेट्रा. तो अबाव बोर्ड इज समथिंग विच इज पॉजिटिव, दैट इज लेजिटिमेट, ऑनेस्ट एंड ओपन. द कमिटी ट्राइड टू बी फेयर एंड अबाव बोर्ड इन इट्स हायरिंग. सो दैट वॉज द सेंटेंस एंड विद दैट वी कंप्लीट आर idioms एंड phrases विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए. आई विल ब्रिंग यू द idioms एंड phrases फ्रॉम स्टार्टिंग विद अदर letters एज वेल. So till then, stay tuned, have a great time ahead, all the very best. Just then. ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है, जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई.